क्या कहना चाहेंगे, लगातार तीसरी बार आप इस चुनाव में उतर रहे हैं? तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लाल रोड से भारी बहुमत से हम जीतेंगे। आप ये जनता को देख रहे हो बात, ऐसा कोई काम जो आपने जो 10 साल में आपके दिल का कोई बहुत जरूरी कुछ हो? मैंने सारे काम बहुत बढ़िया बढ़िया किया, विकास का पहिया हुआ है, दो मेडिकल कॉलेज दिए हैं हमने, एम्स दिया है हमने, सारे काम किए, पानी लाए। नहीं, ये नारनौल वालों की आवाज तो नहीं है। एक जोरदार जयकारे के साथ अपने बाजू उठा करके विजय की संकल्प की मुट्ठी भींच करके एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत ही सम्मान के योग आप सबके दिलों की धड़कन मेरे साथ जो विधानसभा में भी मेरी सीट के साथ विधायक रहे हैं, इकट्ठे बैठते थे हम विधानसभा में, जो कमल का फूल लेकर के नारनौल की सरदारी के बीच में तीसरी बार आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव जी हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जो लोकसभा में भी मेरे साथी सांसद रहे हैं, ऐसे चौधरी धर्मवीर जी और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनका लगातार आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता रहता है, ऐसे हमारे लोकप्रिय रामविलास शर्मा जी, हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान से हम सब का सहयोग करने के लिए लगातार पिछले 2 महीने से कमल का फूल खिलाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे इस महेंद्रगढ़ जिला के प्रभारी, भारत सरकार में पूर्व में मंत्री कैलाश चौधरी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष दयाराम यादव जी, जिला के प्रभारी शंकर धूपर जी, हमारे नगर पर आए हुए बहुत ईमान और सम्मान के योग सभी हमारे बुजुर्ग युवा साथी, हमारी मातृशक्ति, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों, अभी हिसार से सीधा आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। हिसार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जिन्होंने भारत को एक नई दिशा देने का काम किया, ऐसे लोकप्रिय नेता अभी हिसार में आ रहे थे, मुझे पूछ रहे थे कि अब आगे का आपका क्या क्या कार्यक्रम है। मैंने बोला कि मैं नारनौल जा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरी तरफ से राम राम बोलना सभी को। मैंने कहा कि मैं अवश्य कहूंगा। भाइयों, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के अंतिम पड़ाव में है, आज का दिन निकल गया, 6 दिन शेष है, समय कम है, जितनी ताकत है उतनी लगा दो। कुछ को आप लोग जगा दो, कुछ को ओम प्रकाश जी जगा देंगे।
जितनी आपकी ताकत है उतनी लोगों के बीच में 6 दिन में लगा दो और यहां से कमल का फूल खिले। इसके लिए आप सबके बीच में मैं ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मैं ये आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के लिए लेने के लिए आया हूं। ये आशीर्वाद मैं अपने स्वयं के लिए लेने के लिए आया हूं और मैं ये आशीर्वाद ओम प्रकाश जी के लेने के लिए आया हूं। भाइयों, आज हरियाणा ने तय कर लिया है 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे कांग्रेस पार्टी भाइयों आईसीयू में भर्ती हो जाएगी। हरियाणा के लोग ये हालात करने वाले, अरे वो अपना झूठ का पत्थर उतारा उसमें सबर नहीं आया। हमने तो इतिहास में पहली बार देखा कि कांग्रेस पार्टी का जब वो एक झूठ का पत्थर नहीं चला आज दूसरा तार दिया। कांग्रेस के किसी भी गारंटी के ऊपर हरियाणा का कोई व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि इनकी गारंटी एक ही गारंटी है, वो गारंटी है झूठ की, वो गारंटी है लूट की और वो गारंटी है झांसे की। ये गारंटी तो कांग्रेस की है और किसी गारंटी इनके पास नहीं बची है और हरियाणा के लोग अब इनका कोई विश्वास नहीं करते। भाइयों, पिछले दिनों हुड्डा साहब हिसाब लेने के लिए निकल रहे थे। मैंने, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी है, हमारे ओम प्रकाश जी, हमारे चौधरी धर्मवीर जी, आदरणीय राम बिलास जी बैठे हैं, हमारी पार्टी की परंपरा रही है कि हर वर्ष ये आदरणीय मोदी जी ने कहा कि अपना हिसाब किताब लेकर के लोगों को दिखाना चाहिए और हर वर्ष हम क्या क्या कार्य करते हैं वो जनता के बीच में लेकर के जाते हैं। मुझे तो चर्च तब हुआ हुड्डा साहब जब बेटे के साथ निकले पूरे कांग्रेस के लोग हिसाब मांगने के लिए कि हम हिसाब मांगते हैं। भाइयों, मैंने सोचा ये हिसाब मांग रहा है, कुछ क्वेश्चन हम भी इससे पूछ ले। ये भी 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहा है, इसने भी राज किया है, मैंने इनके समय के कुछ क्वेश्चन लिखने शुरू किए। भाइयों, एक लंबी लिस्ट बन गई। मैंने सोचा ये शायद इतने के जवाब नहीं दे पाएगा, मैंने उसको बाइफरकेट किया, शॉर्ट लिस्ट किया। शॉर्ट लिस्ट करके मैंने 10 क्वेश्चन उसमें पूछे। 4 महीने हो गए हुड्डा साहब का जवाब नहीं आया, एक भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। भाइयों, एक शेर याद आता है हुड्डा साहब के ऊपर, दिल में कसक है चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के वही खाते खराब है हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भले ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं, जो कुछ बोल भी नहीं सकते, वो हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आपने 10 वर्ष शासन किया है,
आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से, आदरणीय नड्डा जी के आशीर्वाद से, आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से 12 मार्च को मुझे जिम्मेवारी मिली। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 16 मार्च को आचार संहिता लग गई, 6 जून तक ऐसा आचार संहिता रही। मेरे पास 6 जून के बाद जब तक विधानसभा का चुनाव था 100 दिन का समय था। हमने 100 दिन का रोड मैप तैयार किया, पूरा एजेंडा तैयार किया, अधिकारियों को कहा हर रोज कोई ना कोई बड़ा कार्य हरियाणा प्रदेश के हित में लेना है, हर कोई एक फैसला लेना है, उसकी तैयारी आप कर लीजिए। 7 जून से लेकर के हर रोज एक फैसला, 2 फैसले, हर रोज 3 फैसले लेने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। एक मिशन मोड में काम किया है। और भाइयों, मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं 56 दिन तक रहा हूं, आप अपने 10 साल के कार्य को मेरे 56 दिन के कार्य से तुलना कर लीजिए, मेरा 56 दिन का भारी रहेगा। यही सब मांग रहे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में देश और प्रदेश का समान रूप से विकास किया है। कांग्रेस ने, उसके आकाओं ने झूठ से सुहाए, कोई और इनके पास एजेंडा नहीं है। भाइयों, जब ये अपना घोषणा पत्र, जो इनका झूठ का पत्र ये लेकर के आए, भाइयों ये आज का नहीं है, ये बड़ा पुराना है। इससे पहले इन्होंने हिमाचल में उतारा, फिर इन्होंने कर्नाटक में उतारा और फिर तेलंगाना में उतारा, अब इन्होंने वही हरियाणा में उतार दिया। आज फिर पता लगा कि एक और घोषणा पत्र लेकर के आ गए। भाइयों, हिमाचल के अंदर हमारा पड़ोसी राज्य है, इन्होंने जो वादे वहां किए, इन्होंने कहा हर वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, दूसरा कहा महिलाओं को 1500 रुपया देंगे, तीसरा कहा 300 यूनिट माफ करेंगे, और भी वादे किए। भाइयों, 2 साल हिमाचल की सरकार को हो गए हैं, 1 यूनिट बिजली का माफ नहीं किया, उल्टा बिजली के दाम बढ़ा दिए, 1 भी महिला को 5 पैसे नहीं दिया, 1 भी युवा को रोजगार नहीं दिया। रोजगार की तो दूर की बात, इन्होंने ऐड तक नहीं निकाली। सरकार का बयान आता है, सरकार बोलती है कि जो हमारे पास हिमाचल में कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी सैलरी के लिए भी पैसा नहीं है। भाइयों, किस प्रकार के लोग हैं। हमारे एक हरियाणा में कहावत है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, भाई चादर में पैर उतने पसारने चाहिए जितनी चादर आ जाए, नहीं तो चादर फट जाएगी। भाइयों, एक कांग्रेस की चादर फट गई है, अब कोई इनका वाली वारिस नहीं है, ये झूठ की दुकान चला रहे हैं, इनकी झूठ की दुकान 8 तारीख को बंद हो जाएगी। एक भी भाइयों इनका कहीं दिखाई देने वाला नहीं। मैं आपको बताना चाहता, अभी जब इन्होंने झूठ का पत्र उतारा, इन्होंने भी कहा 2 लाख नौकरी देंगे। भाइयों, इनका एक प्रत्याशी विधायक जो NIT से चुनाव लड़ रहा है, वो बोल रहा है हुड्डा साहब ने कहा कि 2 लाख नौकरी देंगे, और वो वहां का प्रत्याशी बोलता है
कि मेरे हिस्से में 2000 आती हैं। भैया दूसरा विधायक बोलता है कि मेरे हिस्से में जितनी नौकरी आएगी उतनी दूंगा। एक और प्रत्याशी का बोलता है कि मैं थोड़े के अनुसार दूंगा। भाइयों 2014 से पहले जिस प्रकार से भ्रष्टाचार से नौकरी मिलती थी वही रोड मैप इन्होंने तैयार कर लिया है। एक भाइयों कहावत है, ये भी कहावत हमारे बुजुर्ग बड़ा तंत्र निकाल करके बोलते हैं। बुजुर्ग बोलते थे कहा सूत न कपात लठम लठा रे, ना कांग्रेस की सरकार आनी है ना कांग्रेस की सरकार बननी है और ये अपना हिस्सा बांटते हुए घूम रहे हैं। इनका कोई ये जो सोच इनकी है कि भ्रष्टाचार से नौकरी देंगे। भाइयों हरियाणा के लोग ये जान चुके हैं, इनके भाइयों जो इनका सोच है उसको भी पहचान चुके हैं और 8 तारीख के बाद इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। भाइयों हमने कहा है, हमने अपना संकल्प पत्र वो उतारा है, आदरणीय नड्डा जी ने उसको रिलीज किया है। हमने अपना 2014 का संकल्प पत्र 100% पूरा किया। 2019 का संकल्प पत्र हमने 100% धरातल पर उतारा। भाइयों 2024 के संकल्प पत्र को भी धरातल पर उतारने का पूरा रोड मैप हमने तैयार कर लिया। हमने कहा है 8 अक्टूबर के बाद भाइयों हमने महिलाओं के लिए सबसे पहले योजना बनाई, लाडो लक्ष्मी योजना, और उस योजना के तहत 2100 रुपया महिलाओं को पहुंचाने का काम 8 तारीख के बाद हमारी सरकार करेगी। भैया हमने यह भी संकल्प लिया है कि 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के 10 जिलों में IMT खड़ा करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। एक IMT में 50,000 युवाओं को रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों हमने ये भी संकल्प लिया है कि जो डबल इंजन सरकार ने आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का अधिकार था, अब वो अधिकार बढ़ा करके 10 लाख रुपए का करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने 8 अक्टूबर के बाद लिया है। भाइयों हमने यह भी संकल्प लिया है जो हमारे बुजुर्ग 80-70 साल से ऊपर के हैं, ऐसे बुजुर्गों को भी भाइयों अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों हमने यह भी संकल्प लिया है, अपने हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अपने किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी, ये भी निर्णय हमने लिया है। भाइयों हमने ये भी संकल्प लिया है जिसका लाभ 1 अगस्त से मिल रहा है, हमारी बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है, ये भी निर्णय हमने लिया है। भाइयों हमने यह भी निर्णय लिया जो हमारे ऐसे परिवार जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार करेगी ताकि बिजली का बिल 0 आ जाए। भाइयों इसको लेकर के हमारी सरकार लगातार मिशन मोड में काम कर रही है। भाइयों हमने यह भी संकल्प लिया है जो कांग्रेस दुष्प्रचार करती थी, अग्निवीर को लेकर के, जो भी अग्निवीर हरियाणा के अंदर आएगा उसको हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। एक भी अग्निवीर को फ्री नहीं रहने देंगे। अगर कोई अग्निवीर अपना कारोबार करना चाहता है
अपना बिजनेस करना चाहता है, हरियाणा सरकार 5 लाख रुपया बिना ब्याज के उसको उपलब्ध कराने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि आने वाले 8 अक्टूबर के बाद, जब मैं सांसद था, बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे और ये बोलते थे कि मैंने डायलिसिस कराना है, तीसरे दिन कराना पड़ता है, हॉस्पिटल में फोन कर दो, मेरा फ्री हो जाएगा। भाइयों, अब हमने ये निर्णय किया है 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, अगर किसी व्यक्ति को डायलिसिस की आवश्यकता है, वो डायलिसिस कराने के लिए जाएगा या डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा, उसका कोई खर्चा नहीं होगा, फ्री में इलाज हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, एक से बढ़कर के एक निर्णय हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। हुड्डा साहब बोलते हैं कि ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा, हुड्डा साहब, ये घोषणा नहीं है, ये ट्रेलर था, पिक्चर तो आपको 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे। किस गति से ये हरियाणा प्रदेश विकास में आगे बढ़ेगा, आदरणीय मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार मिलकर के हरियाणा को एक विकास की नई गीता दिशा देने वाली है। भाइयों, हरियाणा को आगे बढ़ाने वाली है। आप सबसे मैं ये आग्रह या आशीर्वाद लेने के लिए आया था, अपना एक एक वोट आप कमल के बटन के ऊपर दबाना, यहां तो दबाना परंतु बाहर भी कहीं रिश्तेदारी अगर मित्र प्यारे हैं तो वहां भी फोन करके बोलना कि भाई कमल का बटन दबाएं और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आए। भाइयों, आज हरियाणा ने पूरा मूड ये बन गया है कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। भाइयों, आप लोगों से एक बात मैं कह करके जा रहा हूं, 8 तारीख को यहां से कमल का फूल खिला करके आप नारनौल की सरदारी यहां से ओम प्रकाश जी को लेकर के सीएम हाउस के अंदर आप लोग आएंगे, मैं आप लोगों का वहीं स्वागत करूंगा। आप यहां पर बने रहिए।